तो गाइस ये जो आप लोग अभी मेरे हाथ में देख रहे हो ये एक पेपर बम है जिसको हम लोग बिना किसी लाइटर और माचिस की मदद से चला सकते हैं। और ये पेपर बम ही नहीं गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को तीन ऐसे टॉयज बना के दिखाने वाले हैं जिसमें हम लोग किसी भी ग्लू का यूज नहीं करेंगे। तो गाइस इस बम को बनाने के लिए मैंने नोटबुक से एक छोटा सा पीस कट कर लिया और उसको कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ से मोड़ दिया है, जैसे कि वीडियो में आप लोगों को दिखाया गया है वैसे ही आप लोगों को भी करना है। और एक्स्ट्रा पार्ट को हमें यहाँ से कट कर देना है। तो गाइस अब हमारा पेपर बम है वो बनकर रेडी हो गया है, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस अब दूसरा टॉय बनाने के लिए हमें कुछ इस तरीके का एक पेपर ले लेना है। अब आप लोगों को जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे ही आप लोगों को उसको फोल्ड कर देना है, एंड में कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। अब गाइस यहाँ पे एक नोटबुक पेपर है और आप लोगों को उसको कुछ इस तरीके से स्ट्रो की तरह मोड़ देना है। अब आप लोगों को इस स्ट्रो को बीच से मोड़ देना है, एंड गाइस जो हमने पहले पेपर लिया था उसको भी आप लोगों को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देना है। गाइस जो हमने स्ट्रो बनाया था जहाँ पे इस पेपर में गैप है वहाँ से आप लोगों को इस स्ट्रो को अंदर डाल देना है। तो गाइस अब आप लोग यहाँ पे किसी भी रबड़ बैंड का यूज कर सकते हो, बस आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि वो रबड़ बैंड इस गन के अंदर इजीली तरीके से अटैच हो जाए। अब हमारी यहाँ पे पेपर गन बन के बिल्कुल रेडी हो गई है, आप लोग इससे किसी भी चीज को शूट कर सकते हो। तो गाइस अब हम यहाँ पे दो कार्डबोर्ड के पीसेस ले ले रहे हैं और उनमें हमने दो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब हम उन कट के थ्रू इन दोनों कार्डबोर्ड के पीसेस को एक साथ अटैच कर देंगे। गाइस अब हमारा एक मोबाइल स्टैंड बन के बिल्कुल रेडी हो गया है।